प्रॉमिस किया था ना। प्रॉमिस तो किया था। दादा मुझे भी मियाँ के पास ले जाएं, हम वो साथ रहेंगे। अल्लाह नहीं, नहीं बेटा, अल्लाह ना करे। इसलिए बच्चे वहां नहीं जाते। अभी तो तुमने बड़ा होना है, पढ़ना लिखना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, बहुत कुछ करना है। दादा, लमिया के पास आपके ख्याल कौन करेगा? आपके अंगत कौन ढूंढेगा? पौधे को कौन पानी देगा? और आपको पानी कौन पिलाएगा? वो आज मैं जोजी का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेके आई हूँ। उसकी टीचर बहुत कंप्लेन कर रही थी, कह रही थी कुछ हफ्तों से बहुत मिसबिहेव कर रहा है। अब तुम तो उसको कुछ समझाते नहीं हो और अब्बाएं जो अपनी दुनिया में गुम रहते हैं। वली, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन रहा हूँ। तो जवाब तो दे दो। जब जवाब होगा तो दे दूंगा। एक तो पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, एक जोशी के उसका मिजाज ही किसी से नहीं मिलता है। तुम भी उखड़े उखड़े से रहते हो और एक अब्बा है जो अपनी डेढ़ ईंट का मकान बनाकर बैठे हुए हैं। तो क्या करें सर, जश्न बनाए, कॉन्सर्ट कराऊं इस मुल्क से जाने की खुशी में, या फायरवर्क्स करवाऊं? मैं ये सब अपने लिए तो नहीं कर रही ना, तुम्हारे और जोशी के लिए कर रही हूँ। जोशी का और मेरा मसला नहीं था पाकिस्तान में रहना, ये मसला तुम्हारा था। मैं सेट था अपनी जॉब में, आई हैड एन एक्सलेंट जॉब। तुम्हारे ही सर पे कनाडा जाने का बहुत सवाल था। तो ये सब तुम्हें वहां भी मिल सकता है, नए सिरे से मेहनत करने के बाद, धक्के खाने के बाद। तो हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? अगर दिल नहीं लगा तो कुछ सालों बाद वापस आ जाएंगे। सब यही कह के जाते हैं, मेरा भाई भी यही कह के गया था, आ गए वापस। तो माशाल्लाह से वो सेट भी तो है वहां। वलीद, तुम्हें अपने पास्ट को छोड़ के अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए। ठीक कह रहे हो, मुझे वाकई अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कल को जब जोशी यही कह के इस घर से अपनी बीवी का हाथ पकड़ के निकलेगा ना, तब उसे भी यही कहना। क्या कर रहे हैं दादा? ये मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें निकाल रहा हूं। कॉइन्स? हाँ, कॉइन्स। तुम मांगा करते थे ना? और ये क्या है? ये बुक मार्क है, ये मेरे अब्बा ने मुझे दिया था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा, तो मैं इसको किताबों में रखूंगा। मैंने इसको तुम्हारे लिए रख लिया,
जब तुम किताबें पढ़ोगे उसमें तुम इसको रखना, जब तुम इसे देखोगे तो दादा तुम्हें बहुत याद आएगा। हाँ, ये घड़ी है, ये बड़ी कीमती घड़ी है, ये मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। अभी तुम्हारे छोटे छोटे हाथ है ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसे जरूर पहनना। और ये पेन, इसे भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हारे बाबा ने, वलीद ने मुझसे मांगा इसे मुझे दे, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने पोते को दूंगा। दादा, आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? और मैं किसे दूंगा बेटा, मामा से कहो इसको भी पैक कर ले अपनी चीजों। दादा, आप भी हमारे साथ चले लो। पौधे, खिलौने, उनको भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए। मैं देखूंगा, फिर जब तुम्हारे प्लांट पे फूल खिलेंगे तो मैं उनकी तस्वीरें खींचकर तुम्हें भेजूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा बाजी, मैं वहां पहुंच के आपको कॉल करूंगा। हो सकता है साल भर में मैं चक्कर लगाऊं, और अगर ना हो सका तो जोजी को आपके पास जरूर भेजूंगा। देखो, ड्राइवर ने गाड़ी में सामान रख दिया अच्छी तरह या नहीं? रख देगा बाजी। वली, तुमने जोजी को चेंज करा दिया? भाई, मैंने सोचा तुमने चेंज करा दिया होगा उसे। मैं तो समझ रही हूँ वो तुम्हारे पास है। मैंने तो उसे कब से नहीं देखा। अरे, मैंने भी उसे दोपहर से नहीं देखा। कहाँ है वो? कहीं लॉन में ना हो? अब्बा, मैं लॉन में देख के आई हूँ, वहाँ नहीं है। सुनो, कहीं वो जो दोस्त है उसका, उस्मान, उसके यहाँ तो नहीं चला गया? क्यों जाएगा, मैं चेक करती हूँ। तुम भी ना। जोजी, जोजी। हेलो ज़ैनब, वो जोजी कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आया? हाँ, प्लीज पूछ लो। जोजी, जोजी बेटा, जोजी। अच्छा ठीक है, ओके। वहां भी नहीं है वो? कहीं भी नहीं है, यहाँ पे मैंने देख लिया। कहाँ चला गया होगा? ऊपर सो रहा होगा। तुम भी ना। ऊपर तो मैं देख के आई हूँ। फल्ला, ये आदमी भी नहीं समझ। जोजी, जोजी बेटा, कहाँ चला गया? जोजी, 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 जोजी बेटा, जोजी।